मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। कमलनाथ द्वारा मुख्यमंत्री बनने के तंत्र मंत्र करवाने के सवाल पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, जिसका कर्म पर विश्वास नहीं रहता, जिनका जनता के ऊपर विश्वास नहीं है और जनता का भी जिन पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से राजनीति में सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता की सेवा सबसे बड़ा मंत्र है। उस मंत्र को साथ में रखकर भाजपा जनता की सेवा करती है, इस वजह से भाजपा के प्रति जनता का प्रेम है। सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने यह चुनाव नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह के भविष्य का चुनाव बना दिया है। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ को टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी दे दी। फ्रेंचाइजी लेकर कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे। कमलनाथ नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह जयवर्धन को स्थापित कर रहे हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होते ही चेतन यादव के लिए एक रैली का आयोजन कांग्रेस ने किया था। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। आयोजन में शहीद पार्क पर डीजे और ढोल का इंतजाम किया गया था। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पराशर ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी की रैली को देखते हुए एफएसटी टीम ने जांच की तो पता चला कि डीजे बिना परमिशन बज रहा था, जिसके बाद टीम ने माधव नगर थाने में प्रत्याशी चेतन यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के 125वीं वर्षगांठ पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ग्वालियर आज आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है। उन्होंने सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने इस गौरवमय इतिहास से जुड़ने का अवसर दिया। यह इतिहास सिंधिया स्कूल के साथ साथ ग्वालियर शहर का भी है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर जोरदार हमला हुआ है। दीपक जोशी को कांग्रेस ने खातेगांव विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।